वेलकम बैक। तो आज के वीडियो हम लोग देखेंगे एक ट्राइपॉड को कैसे यूज़ करते हैं। तो ये ट्राइपॉड मैंने अमेजोन से परचेज किया था, तो आप चेकआउट कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगा। तो सबसे पहले देखते हैं बेसिक पार्ट्स क्या क्या होते हैं। तो सबसे पहले नीचे स्टार्ट करते हैं। तो ये होता है सर्कुलर व्हील, इसको आप लॉक करेंगे तो ये बंद नहीं होगा। ये देखिए बंद नहीं होगा, वही अगर इसको खोलेंगे तो ये ऐसे बंद हो जाएगा। ऐसे करेंगे तो अब बंद हो जाएगा। तो इसको फिलहाल के मैं लॉक करता हूँ। फिर उसके नीचे आता है ये वेट हैंगर, ये पार्ट। ओके, तो ये बेसिकली ये होता है कि अगर सपोज कर लीजिए ट्राइपॉड कैमरा में आप बहुत सारे गियर्स अटैच कर रहे हो, तो कैमरा का वेट से ट्राइपॉड डिसबैलेंस हो सकता है। तो नीचे से आप एक सूता से या किसी चीज़ से आप वेट हैंग करके सेंटर ऑफ ग्रेविटी को मतलब मेंटेन कर सकते हैं और आपका ट्राइपॉड स्टेबल रहेगा। फिर ये आते हैं यहाँ पे ये एडजस्टेबल या मूवेबल, ये होते हैं स्टैंड। ये सराउंडिंग या ग्राउंड को देख के वो एडजस्ट हो जाता है ऑटोमेटिकली। तो इस ट्राइपॉड में दो हाइट्स हैं, तो सबसे पहले इसको खोलते हैं ऊपर वाले को। तो ये मैंने अप कर दिया और मैंने ये टाइट भी कर दिया। इसको ऐसे करके, इसको ऐसे कर सकते हैं तो ये टाइट हो जाएगा। ओके, तो ये हमारा फर्स्ट लेवल है और इसका हाइट आप देख सकते हैं, ये इतना हाइट है इसका। ओके, ये इसका हाइट हुआ। तो अब हम इसको सेकेंड वाला भी खोल के देखेंगे। तो मैंने सेकेंड वाला भी हाइट खोल दिया है, तो ये ट्राइपॉड काफ़ी लंबा है। ओके, ये ऐसे दिख रहा है, इसका टॉप व्यू आप देख सकते हैं। ओके, अब देखेंगे इसमें क्या क्या ऊपर से दिया हुआ है। तो सबसे पहले देखेंगे यहाँ पे दो हैंडल सॉर्ट ऑफ है। तो सबसे पहले ये वाला है, ये पार्ट है आपका अप और डाउन करने के लिए वर्टिकली। ये एक्स वाई एक्सिस में होता है और इसको आप ऐसे करेंगे तो बहुत स्पीड में होगा, और इसको ऐसे आप ऐसे करेंगे तो ये टाइट हो जाएगा। देख सकते हैं ये टाइट हो जाएगा। ओके, तो ये अब मूव नहीं करेगा। और ये सेकेंड पार्ट होता है रोटेशन के लिए, जैसे अभी ये फ्रीली मूव कर पा रहा है, इसको अगर आप और लूज करेंगे तो और ये फ्री हो जाएगा। इसको आप टाइट करेंगे तो आप देखेंगे कि ये मूव अब नहीं करेगा। देखिए आप मूव ही नहीं करेगा ये अब। ओके, इसको चलिए मैं लूज कर देता हूँ, इसको जैसे लूज कर देता हूँ। और ये होता है आपका हैंडल, इसको आप ऐसे पकड़ के उठाने के लिए। ओके, और यहाँ पे दो वाटर लेवल्स रीडिंग भी दिया रहता है, तो चलिए देखते हैं ये क्या है। ये होता है आपका, ये आपको देखने के लिए कि आपका जो ट्राइपॉड खड़ा है वो हॉरिजॉन्टल है कि नहीं, मतलब वो फ्लैट ग्राउंड पे है कि नहीं। अगर ये सेंटर पे रहेगा तो आपका ट्राइपॉड फ्लैट पे है, ठीक है। बबल का सेंटर पे रहने से ये फ्लैट हो जाता है। देखिए अभी ये सेंटर पे पूरा फ्लैट है। और यहाँ पे एक और रीडिंग रहता है, ये आपका साइड में रहता है। ये देखिए ये रहा साइड पे। ये देख करने के लिए कि आप इसको इस वाइज मतलब हॉरिजॉन्टली आप सही रखें कि नहीं रखें, तो अभी ये देख सकते हैं थोड़ा सा ये ऊपर है। तो अब देखिए ऑलमोस्ट सेंटर हो गया, ठीक है। ये दो रीडिंग्स होता है कि आपका वीडियो चाहे टेढ़ा बेका ना हो। ऑलराइट, अगर फिर भी अब एक ट्राइपॉड में इसमें एक एक्सटेंडेड हाइट भी दिया रहता है, और फिर भी अगर ये हाइट आपको कम पड़े तो आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसको आपको क्या करना है, बस इसको आपको रोटेट करना होगा। तो इस हाइट को अगर आप ऐसे ऐसे टर्न करेंगे तो ये हाइट इसका इंक्रीज होते जाएगा। ओके, तो ये ऑलमोस्ट ये 5'6" 7" हो जाता है अगर इसको आप टोटल एक्सटेंड करेंगे। तो अब हम लोग ट्राइपॉड में DSLR कैसे लगाते हैं वो देखेंगे। इसको अगर यहाँ पे ये फ्री लॉक है, इसको आप ऐसे टर्न करेंगे तो ये निकल जाएगा। फिर इसको आप DSLR में अटैच करेंगे। ओके, मैं वो भी दिखा देता हूँ। तो ये जो होल रहता है यहाँ पे आप ये इंसर्ट करेंगे। प्रोसेस काफ़ी सिंपल है, इसको आप ऐसे करके इसको अटैच करेंगे और इसको टर्न करेंगे तो ये टाइट होती जाएगा। जैसे टाइट हो गया, अटैच हो जाने के बाद आप इसको डायरेक्टली ऐसे इसमें इंसर्ट करेंगे, ये हो गया। और इसको आप ये लॉक को टाइट कर देंगे, तो ऐसे करके इसको आप लॉक कर देंगे तो आप फिर DSLR को इस पर लगा सकते हैं। फिर आप जैसे चाहे वैसे रिकॉर्ड कर सकते हैं। फाइनली अगर आपको ये ट्राइपॉड DSLR के लिए यूज़ नहीं करना है, मोबाइल के लिए यूज़ करना है, तो उसको उसका भी सलूशन है। आप इसको खोलेंगे, आप इसको खोलेंगे तो ये बाहर आ जाएगा। ओके, आप इसको ध्यान से रखें और फिर
इसको आप ऐसे करके खोल सकते हैं तो ये निकल जाएगा बाहर। और यहाँ पे आप देख सकते हैं अलग अलग स्टैंड, अलग अलग टाइप के ट्राइपॉड आते हैं, फिर इसको आप अटैच कर सकते हैं और आपके मोबाइल के लिए या जो भी आप चाहें वो इसको स्टैंड पर रख के रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो ये था हमारा ट्राइपॉड कैसे यूज़ करते हैं उसके बारे में सब कुछ। और अगर आपको ये ट्राइपॉड पसंद आया तो आप इसको अमेज़ॉन से ख़रीद सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन ज़रूर रहेगा। और कोई भी इशू हो तो आप ज़रूर कमेंट करें, और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग इट।